आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय मुआवजा न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान होंगे, यानी निशान और जहां त्वचा से मांस खिंच गया हो वहां प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपए देने होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा, आवश्यक दस्तावेजों के साथ दवा दायर किए जाने के 4 महीने की अवधि के भीतर समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाएगी। राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों, सहायकों या निजी व्यक्ति यदि कोई हो तो उससे वसूली करने का अधिकार होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले के प्रति आवश्यक और त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भेजी जाए। हाई कोर्ट उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा जंगली जानवरों के वाहन के सामने आ जाने, अचानक आने और चोटों से मृत्यु के कारण हुई थी। मालूम हो कि ये मामले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राज्य और राष्ट्र मार्गों पर नगर पालिका सड़कों और सड़कों के साथ साथ नगर पालिका सीमा के बाहर की सड़कों और सड़कों पर हुई दुर्घटना से संबंधित है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि मौतों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर आवारा जानवरों की चिंताजनक दर, जो प्रभाव मूल्यांकन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बिना राज्य नीति कार्यवाहन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ने मानव जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है।